लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जे सद्गुरु के दीक्षा पावे ते साधन के सफल बनावे। ई दृष्टि के अनुसार गायत्री मंत्र अनादि मंत्र है, गुरु मंत्र है। यदि भलीभांति दीक्षित होके सद्गुरु के साथ जुड़ के गायत्री साधना कैल जाए तो शीघ्र फलित होवेला। जहां तक संभव हो के गायत्री के साधना सिद्ध गुरु से दीक्षा लेके करे के चाहिए। ऐसन गुरु जे विशिष्ट अर्थात वशिष्ठ होके और विश्वमित्र अर्थात विश्वामित्र भी होके। ऐसन गुरु शक्ति जीवित होके अनिवार्य नहीं है, सूक्ष्म और कारण रूप में भी विद्यमान हो सकेला और साधक के अपन तप ऊर्जा के अंश से पालत पोषत रह सकेला। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामशर्मा आचार्य जी और शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी के दीक्षा गायत्री से जुड़े वालन साधकन के दिहल जाला। गुरु दीक्षा द्वारा शिष्य के संपूर्ण भार उनकर प्रारब्ध और उनकर भविष्य गुरु स्वयं संभाले ले और साधना सफल हो निकल पड़ेली। वन में उनकर दृष्टि लकड़ी काटत सत्यवान पे पड़ेला। सत्यवान के तेज और कौशल्य के देख के सावित्री प्रभावित होवेली। महामंत्री के साथ सावित्री सत्यवान के अंध माता पिता से मिले खातिर उनकरा आश्रम पहुंचेली। मंत्री सत्यवान के पिता के देखत ही पहचान जायले कि ऊ असल में शाल्य देश के राजा हवे। उनकर अंधेपन के कारण के पता चलेला। सावित्री के सत्यवान के प्रति झुकाव देखी के महामंत्री सत्यवान के माता पिता के सम्मुख सावित्री सत्यवान विवाह के प्रस्ताव रखेलन। देवर्षि नारद के यमराज ई तथ्य बतावेलन कि सत्यवान अल्प आयु है। नारायण नारायण, आप तो जानत हैं धर्मराज, हम कोनो प्रयोजन से नहीं जाली, उहां जाइला से प्रयोजन स्वयं बन जाला। आज कौन प्रयोजन बना क्या रहा लाई? भगवती गायत्री के महान भक्त महाराज अश्वपति के सुपुत्री सावित्री के विवाह के। कैसे हो रहा है उनकर विवाह? द्युम्त सेन के सुपुत्र सत्यवान से। सत्यवान से? धर्मराज, आप सत्यवान के नाम से चौंक कहे गई ली। ई ब्याह के रुकवा दे मुनिवर, नाही तो आपके बहुत निंदा होई। काहे? सत्यवान अल्पायु है, एक बरिस के बाद ओकर मृत्यु होवे वाला है। ब्रह्मलोक से ओकर कुंडली हमरे पास आ चुकल है। नारायण नारायण, उ कुंडली के गणना पुनः कर ले धर्मराज, हो सकेला उ कुंडली मा कौनो त्रुटि हो गई लो। असंभव है, भगवती गायत्री के जेह पर कृपा है, ओकर अनिष्ट नाही हो सकेला धर्मराज। नारायण नारायण। मृत्यु जब आवे के है तो टालल न जाई, यम बड़ा हठी है, ओकर दृष्टि खाली न जाई। नहीं, कदापि नहीं, हम ई विवाह खातिर कभी स्वीकृति नहीं देब। बेटी सावित्री, महाराज द्युमत्सेन शैल देश के राजा रहलन, अब नहीं हवे, अब वो एक सन्यासी के जीवन बितावत हवे। का तू एक सन्यासी के बेटा से विवाह करबू? आश्रम में रह सकेलो तू? बेटी, हम तो हर माँ हैं, हम तो हर भावना समझत हैं। बाकी अभी तू अबोध हो, बाल हट छोड़ दा बेटी, हट अच्छा नहीं होवेला, कबो कबो एकर परिणाम बहुत भयंकर होला। ये बाल हट नहीं हमा, हम एक आर्य कन्या हैं, हम जौन निर्णय ले ले हैं, ओके बदलल संभव नहीं है। विवाह कोनो बच्चा लोग के खेल नहीं, इस क्षण भर के संबंध नहीं है, जन्म जन्मांतर के संबंध है, दो आत्मा के बंधन है। तू तो अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं दे देहलू माँ। तू कहल का चाहता हूँ, साफ साफ बतावा। शास्त्र के अनुसार विवाह तो सात जन्म के बंधन हो खेला। यह बात हम तोके कब से समझावे की कोशिश करत है बेटी। हम हो इहे कहत हई माँ, जे के हम हृदय से आपन पति मान ले ले हई, हो सकेला पूर्व जन्म मा हमार ओकरा साथ संबंध रहल हो, ओहे हमार पति रहल होई। तोहार ई बात मा आके हम तोके ई विवाह के अनुमति नाही दे सकीला। काहे? ऊ ए नाते कि ई आयु मा तपस्या करे खातिर हम तोहे वन मा भेज के तपस्विनी नाही बनावल चाहते हैं बेटी। तपस्या वृद्धावस्था में कइल जाला, बालपन में नाही। माँ, हमरे भाग्य मा रही त कुटिया के स्थान पे राजमहल बन जाई, और यदि हमरे भाग्य मा नाही रही त राजमहल भी खंडर बन सकेला। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि।
आयुष्मान भव, यशस्वी भव राजन। आप उचित समय पे पधर लें मुनिवर, अब आप ही एके समझाएं। नारायण नारायण। महारानी, महाराज कहके और का समझावे खातिर कहा था वे? सावित्री के, सावित्री के राजकुमारी ऐसन का कहले हैं? आप ही तो स्वयं एके वर चुनले के स्वीकृति दे ले रहली ना। हाँ, ई सत्य है। जानत हैं ई अपने वर रूप में के चुनले हा? के शाल्व देश के राजा द्युम्त सेन के पुत्र सत्यवान के। नारायण नारायण। देवर्षि, आप तो जानत हैं कि आजकल लोग कैसन स्थिति में हवे। देवर्षि, अब आप ही एके समझाई, ई चोर करे के जा था का उचित था? सत्यवान है तो बहुत सुंदर, सुशील भी है और अपने नाम के अनुसार सत्यनिष्ठ भी है और सावित्री के सर्वथा योग्य उचित वर है। बाकीर नारायण नारायण। बाकी का देवर्षि? राजन, जहां धूप होवेला वहां छांव भी होवेला, जहां प्रकाश होई वहां अंधकार भी होई, जहां धूप होला वहां अंधकार तो होवेला ही। हम आपके आशय ना समझ ली। सत्यवान अल्पायु है, आज से ठीक एक बरस के बाद ओकर मृत्यु हो जाए। यही नाते हमार अंतरात्मा ये विवाह के स्वीकार नहीं करत रहे। महाराज, देवर्षि के बात तू सुन लो ना बेटी, हट छोड़ दा बेटी, हमार बात मान ला, हम तोरे खातिर एगो अच्छा सा वर ढूंढ लाई। तब तक हम मान भी लेती माँ, बाकी अब नहीं मानब, तब हम हट नहीं करत रहली, बाकी अब हम हट करे के विवश हैं। का हमरे पति के जीवित रहला पे हम केहू पर पुरुष से विवाह कई लें? ये कैसन आदर्श हमा, ये कैसन धर्म हा? माँ, तू तो जानत हो कि हम सत्यवान के आपन पति मान चुकल हैं। अब उनकर आयु चाहे एक बरिस के हो चाहे एक मास के, हम आपन निर्णय नहीं बदल सकेली। माँ, हमार रक्षा करा, हमार रक्षा करा माँ, हमार रक्षा करा माँ, हमार रक्षा करा। हम तोहार मनोव्यथा जानेली पुत्री, तो जेके हृदय से अपन पति मान ले ले हो ओकर ही वरण करा, तू अपन कर्तव्य करा, शेष सब भाग्य पे छोड़ दे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आप और यहाँ? पृथ्वी लोक से आवत हैं धर्मराज, हम सोच ली आपके शुभ समाचार ही देत चली। बताई देवर्षि, का शुभ समाचार है? सावित्री सत्यवान के वर के रूप में चुन लेली, ऊ दोनों के विवाह के तैयारी भी होता धर्मराज। ई उचित नहीं हो रहल है, हमके तो कन्या पे दया आ रहल है। आप ओके बतैली नहीं जे सत्यवान के आयु केवल एक बरिस शेष है? नारायण नारायण। धर्मराज, हम होके समझावे के बहुत प्रयत्न कैली, बाकी रू समझती नहीं। सती नारी है, सती के हट के आगे केहू के ना चलेला। वैसे सावित्री के भगवती गायत्री के आशीर्वाद जे प्राप्त है। बाकी गायत्री के आशीर्वाद पहला से सत्यवान के आयु तो नहीं बढ़ सकेला देवर्षि, ओह के व्रत तप के फल ओकरे मिली सत्यवान के नहीं। ई तो समय ही बताई धर्मराज। नारायण नारायण। समय का बताई, मृत्यु जब आवे के हा तो टालल न जाई, यम बड़ा हटी हा
ओकर दृष्टि खाली न जाई। हम यमराज हैं यमराज। पिताश्री। सुखी रहा। सावित्री इतु अच्छा नाही कैलू। एक बरिस खातिर सौभाग्यवती फिर विधवा। काहे कि मृत्यु जब आवे के ह त टालल न जाई। यम बड़ा हठी ह, ओकर दृष्टि खाली न जाई। तोहके पाके हम धन्य हो गए ली सावित्री। ई ता हमार अहोभाग्य हवे स्वामी के आप हमके आपन चरण मा स्थान देहली। नहीं सावित्री, पत्नी के स्थान चरण मा नहीं, हृदय मा होला। कारू बना ले लो। एक
के पहले जौन तोहार वेशभूषा रहे उहे तोहार खातिर उचित रहे। जब तक हम पिता के घरे रहली हम कन्या रहली, राजकुमारी रहली। अब हम पत्नी बन गई हैं, कन्या और पत्नी के रूप और रहन सहन में अंतर तो होई ना स्वामी। का बात है बेटा? देखिए ना पिताजी, सावित्री तपस्विनी के वेश धारण कर ले ली। बेटी, तू तो एक राजा की पुत्री हो, तो के ई तपस्विनी के वेश शोभा नहीं देता बेटी। पिताश्री, विवाह के पश्चात पति के घर तीर्थ होला और पति ही परमेश्वर हवे, ऐसन शास्त्र में कहल गई हा। पति तपस्वी भीष्मा रहे और हम राजसी भीष्मा, का ये हमरा बदे उचित रही? तू सत्य कहत हो बेटी, पति के अनुकूल आचरण करल ही पत्नी के धर्म है। गायत्री एक वैदिक छंद है, इसमें 24 वर्ण होला। गायत्री छंद के वेद माता कहल गईल हा। ये छंद मां विलक्षण शक्ति हा। ये मंत्र के पवित्र अंतःकरण से जप कैला से मनवांछित फल प्राप्त होला तथा रक्षा होला। एह नाते इनके माता कहल गईल हा, काहे कि माता ही रक्षा करेली। जय गायत्री देवी। नारायण नारायण। सावित्री, तू रोवत हो? का बात है? नहीं, कुछ नहीं स्वामी। फिर तुहार आँख काहे भरल है? तू हमसे कुछ छुपावत हो? बतावा ना सावित्री, का बात है? नहीं, कुछ नहीं। भला आपके साथ रह के हमके का दुख हो सकेला? अच्छा, हम समझ गए। का बात है? नहीं, कुछ नहीं स्वामी। फिर तोहर आँख काहे भरल है? तू हमसे कुछ छुपा रहा लो? बतावा ना सावित्री, का बात है? नहीं, कुछ नहीं। भला आपके साथ रह के हमके का दुख हो सकेला?